कि एक बार नहीं हजार बार मूर्तियां टूटेगी, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा, ना बड़े लेवल की मीडिया आएगी, ना बड़े लोग आएंगे, कोई कमेंट करने वाला नहीं है। आप तमाम देख लीजिए, कम से कम यहाँ हजारों की भीड़ है, और हजारों की भीड़ इस कदर है कि तीसरी बार एक बार गलती कर दे उसे इंसान कहते हैं, दो बार गलतियां करते उसे हैवान कहते हैं, लेकिन जो बार बार गलती कर दे उसे शैतान कहते हैं। ऐसे शैतान से मुलाकात जाती, किसी पर शंका हम नहीं कर सकते, जब देखते तो शंका होती और क्या होता ऊपर वाला जानता है, लेकिन अब जब कितने घंटे में इसका अगर देखा जाए कार्रवाई कितने घंटे में हो जाना चाहिए, अगर देखा जाए इस मूर्ति जो टूटी इसकी कार्रवाई कितने घंटे में हो जाए, देख लेते हैं कार्रवाई घंटे का कैसे बता दें आपको। तो नहीं आप तब कब तक रहेंगे, तब ऐसे ही आप कब तक खड़े रहेंगे सर, आप खड़े हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, कब तक खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे तो क्या सॉल्व कर देंगे सर, नहीं आप क्या समस्या, नहीं हम नहीं करेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है सिर्फ दिखाना सर, आपके सामने रखना सर, इसीलिए आए हैं ना, ठीक है सर, हम क्या करेंगे, हमारा काम है सिर्फ उजागर काम, हमारा काम थोड़ी हथकड़ी पहना, हथकड़ी पहना आपका काम है, इनका काम है, उनका काम है, ठीक है ना सर, हमारा काम सिर्फ उजागर करना। भारत में एक अलग प्रचलन चलता है, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये मामला दबने का नाम नहीं लेता है। एक बात अगर देखा जाए तो भारत हमारा संविधान से चलता है, और संविधान के रचयिता कहने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनकी एक बार नहीं हजार बार मूर्तियां टूटेगी, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा, ना बड़े लेवल की मीडिया आएगी, ना बड़े लोग आएंगे, कोई कमेंट करने वाला नहीं है। आप तमाम देख लीजिए, कम से कम यहाँ हजारों की भीड़ है, और हजारों की भीड़ इस कदर है कि तीसरी बार हो गया, एक बार नहीं, लोग कहते हैं कि एक बार गलती कर दे उसे इंसान कहते हैं, दो बार गलतियां करते उसे हैवान कहते हैं, लेकिन जो बार बार गलती कर दे उसे शैतान कहते हैं। ऐसे शैतान से मुलाकात होती है कि लोग कहते हैं ना, मनवादुओं की भीड़ इतनी काफ़ी है कि आप चौंक जाएंगे। आए दिन हमेशा चर्चा होता है, लेकिन इस चर्चे में करेगा कौन, ये टूट गया है, ग्रामीण के लोग, आपका क्या नाम है, शंभुनाथ, शंभुनाथ जी, ये कब की घटना है, ये 11 बजे के बाद की घटना है सर, कब, रात को, रात में, अच्छा ये मूर्ति देखा जाए तो कितनी बार टूट गई, ये तीसरी बार है सर, अच्छा शंका किस पे, शंका अगर देखा, शंका सर जब किसी को देखा ही नहीं तो शंका किस पर किया जाए, तीन बार हो गया तो किसी पे तो शंका जताई जा सकती है, किसी पर शंका हम नहीं कर सकते, जब देखते तो शंका होती और क्या होता ऊपर वाला जानता है, लेकिन अब जब देखे नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए, हमें नहीं कहना चाहिए, अगर किसी मंदिर मस्जिद पे थोड़ा सा आँच आ जाता है तो जैसे लगता है कि भूचाल आ गया, तुरंत भूचाल आ जाएगा, लेकिन अगर जिस संविधान से हमारा भारत चलता है उस संविधान के मूर्ति को अगर तोड़ दिया जाएगा, किसी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तमाम लोग, एसओ साहब भी आए हुए हैं, एसडीएम साहब भी आए, इधर चारों लोग, पुलिस प्रशासन भी आई हुई है, सभी लोग आए, लेकिन दिलासा क्या दे रहा है, एक ग्रामीण के लोगों से हम लोग बात करें कि दिलासा क्या इन लोग के तरफ से क्या हो रहा है, एसडीएम साहब आए हैं तो क्या बोल रहे हैं सर, बोले हैं कि नहीं चंदा लगा के 100-200 लगा करके मूर्तियां लग जाए। अरे चंदा का तो धंधा पुराना हो गया है, कोई नया करवाइए ना, कुछ नया नहीं है सर, नया होना चाहिए, नया होना चंदा का तो ये तो हम जानते हैं, एसडीएम साहब नहीं आते तभी इस गांव के लोग चंदा लगा के इस मूर्ति को बना देते हैं। सर बना देते, बनाते ना, बनाए सर चंदा से बनाए इसको, लेकिन बार बार चंदा मतलब कितना हम लोग चंदा लगाएंगे सर। आप लोग चाहते क्या है, आप लोग सभी लोग जुटे क्या चाहते हैं, आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ, देखिए मुंह मत छुपाइए, यही कारण है कि ऐसा तोड़ा जा रहा है, इसलिए कि आप लोग मुंह छुपाए, जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप हो जाते हैं, वजह तो यही है, नई मूर्ति चाहिए हमें, नई मूर्ति चाहिए, नई मूर्ति तो ठीक है, लेकिन बार बार क्यों टूट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन तो पता नहीं, रात में तोड़ते, अगर दिन में तोड़ते तो देखा भी जाता। आप लोग क्या चाहते हैं भैया, क्या चाहते हैं, हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो तोड़ने वाले हैं चक्के, उन लोगों को गिरफ्तार करें और हम लोग को न्यू मूर्ति दें। अगर देखा जाए तो इसी भारत में, अगर इसी भारत में देखा जाए तो किसी नेता पर रहता या किसी अधिकारी का एक कुछ भी गुम हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे तलाश लिया जाता है, दौड़ के लोग जाएंगे और तलाश लेंगे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति निकलेगी उसके गुनहगार को उस कोई नहीं तलाशने वाला है, क्यों ऐसा क्यों होता है, प्रशासन है साहब, प्रशासन जो कहे, हम लोग को न्यू मूर्ति चाहिए और उसकी सुरक्षा चाहिए जी। अब देख लीजिए एसडीएम महोदय भी हैं, शायद एक बार हम बात करना चाहेंगे एसडीएम महोदय से भी, क्या है एसडीएम साहब, सादर प्रणाम आपको सर, इसके बारे में जिस तरह से अगर देखा जाए भारत हमारा संविधान से चलता है और संविधान में इस कदर अगर हो रहा है तो क्या आप कहना चाहेंगे सर, आप भी उपस्थित हैं सर, नहीं कहना क्या चाहेंगे, अगर ये हुआ है तो गलत है सर, एक बार नहीं सर, बार बार ऐसा होता है सर, बार बार ऐसा होता है,
नहीं, बार बार नहीं, हर जगह प्रॉब्लम होती है जी। उसका सलूशन जो नियमानुसार है वो किया जाएगा जी। अगर कोई इसमें से पूछा जा रहा है, कोई बताए कि अगर कोई भी संदिग्ध भी हो तो उनके पे हम कार्रवाई करा देंगे। नहीं सर, कार्रवाई तो होती है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर एक छोटा सा कहीं हमला होता है तो 24 घंटे में पुलिस उसको उठा लाती है, तो क्या लगता है सर? हमला होता तो यही तो बताए ना, गांव से बड़ा कौन सा है, इस गांव के लोग ही तो बताएंगे कि गांव में कौन संदिग्ध है या अगल बगल कौन है जी। तो कोई ऐसा नाम तो बताए ना, अगर तीसरी बार हुआ तो गांव की भी तो है कि वो कोई कोई आइडेंटिफाई जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है संकोच कर रहे हो जी बताने में। क्या होना चाहिए सर आपके द्वारा, अगर देखा जाए आप संवैधानिक एक अधिकारी हैं, क्या होना चाहिए संवैधानिक पद पे हैं, क्या होना चाहिए? नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। देख लीजिए सर हैं, एसडीएम महोदय जी हैं, तरह तरह की बातें होगी। आज जो नियम है कितने घंटे में हो जाना चाहिए सर, अगर देखा जाए तो कितने घंटे में इसका, अगर देखा जाए कार्रवाई कितने घंटे में हो जाना चाहिए, कैसी कार्रवाई, अगर देखा जाए इस मूर्ति जो टूटी इसकी कार्रवाई कितने घंटे में हो जाती है? देख लेते हैं ना कार्रवाई, घंटे का कैसे बता दें आपको। तो नहीं आप तब कब तक रहेंगे, तब ऐसे ही आप कब तक खड़े रहेंगे सर? आप खड़े हैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, कब तक खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे जब तक समस्या सॉल्व नहीं होती ना। तो क्या समस्या सॉल्व कर देंगे सर? नहीं आप क्या समस्या, नहीं हम नहीं करेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है सिर्फ दिखाना सर, आपके सामने रखना सर, एक आपका काम, आपका दायित्व बनता है सर। हम दायित्व इसीलिए आए हैं ना। ठीक है सर, हम क्या करेंगे, हमारा काम है सिर्फ उजागर काम रहा, हमारा काम थोड़ी हथकड़ी पहना, हथकड़ी पहना आपका काम है, इनका काम है, उनका काम है। ठीक है ना सर, हमारा काम सिर्फ अगर करना है सर। ना पुलिस किसको पहना है? नहीं जो आप कह रहे हैं कि आप क्या कर देंगे, तो मेरा काम सिर्फ उजागर करना है सर। नहीं आप उजागर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। हम लोग भी हैं, हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं कि कौन ऐसा है, कड़ी नजर रखते हैं इस पे। जिले के मालिक होते हैं आप लोग, एसडीएम हो या डीएम हो, जिले के मालिक आप कहे जाते हैं। लेकिन सहयोग सहयोग की भी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सहयोग नहीं, लेकिन सहयोग तो होना चाहिए। लेकिन इसमें अपेक्षा करते हैं जितना अच्छा सहयोग मिलता है उतना अच्छा जो कार्रवाई हो जाती है। चलिए सहयोग होना जरूरी है, क्या आप लोग सहयोग देंगे? एसडीएम साहब का सहयोग देंगे आप लोग? यही कमी है, इसीलिए नहीं हो पाता है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मैं किसी जाति धर्म से नहीं आता हूँ ना किसी विशेष से आता हूँ, लेकिन यही कारण है। देखिए कोई बोलने वाला नहीं है, होगा कैसे, नहीं होगा, हम आएंगे चिल्ला कर चले जाएंगे, तमाम लोग आएंगे चिल्ला कर चले जाएंगे, ये तो आदत सी हो गई है, लेकिन कोई यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है कि कोई बोल दे एक बार। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस, नमस्कार।